बाबा जी प्रणाम। संजू प्रभाकर अहमदाबाद से। बाबा जी, कर्ता भाव से कर्म करने का क्या नुकसान है और अकर्ता भाव से कर्म करने का क्या फायदा है? कृपया डिटेल से इस बात की चर्चा करने का कष्ट करें। हम सुबह से शाम तक जो भी कुछ करते हैं, वशिष्ठ ने कहा है कि कर्मन की गति न्यारी रे साधव, कर्मन की गति न्यारी। हम सुबह से शाम तक जो कुछ करते हैं उसका हमें पता ही नहीं चलता कि वह कर्ता भाव से हुआ या अकर्ता भाव से हुआ। बहुत से लोग सारी उम्र इसी उधेड़बुन में पड़े रहते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वह कर्ता भाव से कर रहा हूं या अकर्ता भाव से कर रहा हूं। बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आरामदायक पोजीशन में बैठ के सुनने का कष्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली बात, तुम कर्म सिर्फ कर्ता भाव से ही कर सकते हो। अकर्ता भाव से तुम कर्म कर ही नहीं सकते। ये बात आपके हजम नहीं होगी क्योंकि आपके शास्त्रों ने, आपके मार्गदर्शकों ने आपसे कहा है, तुम सिर्फ कर्म करते हो और कर्ता भाव से ही कर सकते हो। अकर्ता भाव से तुम कर्म कर ही नहीं सकते। ये तुम्हारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अकर्ता भाव से कर्म वो करता है जैसे हम परमात्मा कहते हैं। अकर्ता भाव से कर्म करने वाला सिर्फ परमात्मा है और वह जो करता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये तुमने कब कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। तुम्हारे पास उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, फिर भी कर्म। तुम कहते हो कि मैंने कर दिया लेकिन तुमने नहीं किया। वह कर्म तुमसे हुआ, वह कर्म तुमसे किसी विराट शक्ति ने करवा दिया, उसे ही अकर्ता भाव का कर्म कहते हैं। जो एक विराट शक्ति तुमसे करवा ले, उसमें तुम्हारा कोई योगदान ना हो, सिर्फ तुम्हारे यंत्रों के इन्वॉल्व होने के अतिरिक्त, वो होता है अकर्ता भाव से कर्म। वो तुम नहीं करते, वो परमात्मा करता है, विराट करता है। तुम एक ही तरह के कर्म कर सकते हो, कर्ता भाव से कर्म। अकर्ता भाव से कर्म करना तुम्हारे बलबूते की बात नहीं। तुम जो भी कुछ करोगे कर्ता भाव से करोगे। और ध्यान रखना, जो हमारे भीतर, जिसको हम अचेतन मन कह देते हैं, वो सब कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, वो दोनों का मिला जुला रूप, उनको हम अनकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, अचेतन मन। उस अचेतन मन में हमारी अतीत की
की हुई सभी स्मृतियां और कर्म कल्पनाएं सब संग्रहित हैं, हमारी वासनाएं संग्रहित हैं। क्या क्या किया हमने वो सभी संग्रहित हैं। लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, जो तुमने कर्ता भाव से किया वो संग्रहित है, जो तुमने अकर्ता भाव से तुम्हारे से करवाया गया उस विराट शक्ति के द्वारा वो तुम्हारे भीतर समृद्धि नहीं बनेगी उसके। ये पहचान, जब भी तुम अपने पिछले जन्मों में जाने के योग्य हो जाओ तो एक बात पाओगे कि तुम्हें बहुत सी समृद्धियां ऐसी मिलेंगी जो कर्म तुमने किए लेकिन उनकी छाप नहीं, तुम्हारे भीतर स्मृतियों के भीतर वो निकलेंगे नहीं, उनकी छाप नहीं दिखाई पड़ेगी। पिछले जन्म की बात तो छोड़ो, इसी जन्म में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जब कोई तुम्हें याद कराता है कि तुमने ऐसा किया था और तुम कहते हो कि देखो भाई ये मैंने तो नहीं किया। फिर आखिर में जब तुम्हें याद नहीं आता तुम कह देते हो भाई मुझे याद नहीं। वो होते हैं अकर्ता भाव से किए हुए कर्म। मतलब जो कर्म वह कराए विराट तुम्हारे से, वो अकर्ता भाव से किए हुए कर्म, उसमें तुम्हारा कोई योगदान। वो कर्म करने के लिए तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा ले रहा है सिर्फ, उसने वो कर्म करवाने होते हैं, तुम्हारे द्वारा करवाने होते हैं और करवाने ही होते हैं, उसको तुम टाल भी नहीं सकते। तो यहां दो प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म वे हैं जिनको तुम टाल नहीं सकते, वो अकर्ता भाव से किए हुए कर्म हैं। तुम उदाहरण दे देते हो कि मनुष्य कुछ नहीं करता, लेकिन तुम भूल जाते हो कि अकर्ता भाव से मनुष्य कुछ नहीं करता। थोड़ा गहरा है मसला, गहरे से समझेंगे, दो तीन बार सुनेंगे फिर समझ में आ जाए। जो स्मृति तुम्हारे भीतर बनी नहीं वो तुमने किया भी नहीं, और जो तुमने किया भी नहीं उसके भीतर स्मृति बनेगी भी नहीं। इसलिए बहुत से कर्म हैं जो प्रकृति तुमसे करवा देती है और उसकी छाप तुम्हारे अचेतन मन में पड़ती नहीं। जो कर्म उसने करवाया तुमसे वह कर्ता भाव से किया हुआ कर्म है, यद्यपि हुआ तुम्हारे यंत्रों के द्वारा, तुम्हारी जुबान से बोले गए शब्द, तुम्हारी आंखों से देखे गए दृश्य, तुम्हारे कानों से सुने गए शब्द, तुम्हारे दिमाग से सोचे गए प्लान्स, योजनाएं, घाड़त घड़ी उसने कर्म काम लिया तुम्हारे पुर्जों से, लेकिन काम किया उसने, तुमने कुछ नहीं किया। तो उसने जो काम किया उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें एक बात साफ कर दी, बरसों बरसों को तुम्हारा ये कचरा जो तुम दबाए बैठे थे कि हमें कर्म अकर्ता भाव से करने चाहिए, यहां तुम मार खा जाते हो, तुम भी और तुम्हारे मार्गदर्शक। अकर्ता भाव से कर्म तुम नहीं कर सकते, वह तो परमात्मा करता है।
भगवान कृष्ण भी कहने का यही अर्थ रखते हैं। वो कहते हैं बस मेरे समर्पण हो जाओ, फिर मैं कराऊंगा जो वो कर्म होंगे अकर्ता भाव से। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शूच। कर्ता भाव के जो कर्म होते हैं उनका ही पाप होता है और उनका ही पुण्य होता है, और कर्ता भाव से किए हुए कर्म परमात्मा नहीं करता, तुम करते। इसलिए बाबा नानक ने कहा छोड़ दो अपने जीवन की नैया की पतवार उस विराट के हाथ में, फिर जो भी कर्म होगा वह कर्ता भाव से नहीं होगा, वह अकर्ता भाव से होगा। तो इस एक बात को गांठ बांध लेना अपने पल्लू के साथ कि तुम अकर्ता भाव से कर्म कभी कर ही नहीं सकते, तुम जो भी कुछ करोगे वह कर्ता भाव से ही करोगे। बहुत से लोग मेरी इन बातों का रिएक्शन करेंगे, मुझे पता है। बहुत से लोग उबाल खाएंगे, लेकिन सत्य यही है, जब तुम अपने अंतस्थ चेतन या अचेतन या अवचेतन के भीतर जाते हो तो यही पाते हो। जिस कर्म की लकीर भीतर रह गई वो तुमने किया, और जिस कर्म की लकीर भीतर नहीं रही वो तुमने नहीं किया, वो परमात्मा ने करवाया। पिछले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म से ही तुम फैसला कर सकते, लेकिन उसके लिए अपने अंदर उतरने की कला तुम्हें सीखनी होगी। तुम जो करते हो, शब्दों को फिर सुनिए, तुम जो करते हो, पुण्य करते हो पाप करते हो, दान करते हो डाका मारते हो, वो तुम्हारी छाती के ऊपर बोझ बनकर बैठ जाता है। तुम खुश होते हो मैंने दान कर दिया, लेकिन तुम याद रखना वो तुम्हारी छाती के ऊपर बोझ बन के बैठ जाएगा। इसलिए जहां डाका मारने वाले ही बोझल नहीं होते, जहां दान करने वाले भी बहुत बोझल होते हैं, कारण दान उनके कर्ता भाव से निकला और वो जम गया तुम्हारी छाती पे संस्कार लिए, और वो संस्कार बड़े भारी होते हैं, उनमें बड़ा वेट होता है, संस्कारों का ही वेट है ये, जो तुम्हें दिन भर रात चैन नहीं आता, ये संस्कारों का ही वेट है। ये जो तुम कहते हो कि मैं सब है मेरे पास, लेकिन भार है, दिल पर बोझ है, बोझ किस चीज का है, और बोझ है तुम्हारे कर्ता भाव के कर्मों का, उनके संस्कारों का। जो भी कर्म तुम करते हो, लगातार करते रहते हो, उसके संस्कार घनीभूत होते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो चट्टान की तरह भारी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अकर्ता भाव से कर्म कर नहीं सकता, पहला फार्मूला तो ये मैंने आपको बताया। तुम जो भी करोगे वो कर्ता भाव से ही करोगे, अकर्ता भाव से तुम कर्म कर नहीं सकते। अकर्ता भाव से जब कर्म तुम करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पता बाद में चलेगा कि अरे ये तो मेरे से हो गया। शेक्सपियर एक कहानी कहती हैं कि मैं एक चर्च में जाता था, वहां नया पादरी आया था, उसका प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्रवचन को सुन के मैंने कहा कि $5 इसको नाम पे दूंगा। वक्त बीतता गया, लेकिन जब वक्त खत्म हुआ तो मैं $5 देने की बजाय मेरा मन बदल गया, मैंने उसकी थाली में से $5 उठा लिया।
वो अगर दान भी कर देता तो कर्ता भाव से करता, वो भी उसकी छाती के ऊपर कर्ता के रूप में बैठा रहता। ध्यान रखना, पुण्य कर्मों का भी बोझ होता है। ये बड़ी विराट विलक्षण बात है। पुण्य कर्म तुम्हें हल्का नहीं करता, पुण्य कर्म का भी भार होता है, पुण्य कर्म का संस्कार होता है, पुण्य कर्म में वेट होता है, पाप में तो वेट होता ही, पुण्य कर्म में भी वेट होता है जो तुम कर्ता भाव से करते हो। इन शब्दों को गौर से समझ लेना। उन पुण्य कर्मों में वेट होता है जो तुम कर्ता भाव से करते हो। जो तुमसे पुण्य हो जाता है या पाप हो जाता है। शेक्सपियर चाहता था $5 दान देना, लेकिन $5 दान तो नहीं दिया गया। जब थाली आई तो $5 उठा लिए गए, उसने नहीं उठाया। वो तो चाहता था दान करना, अचानक उसके अहंकार ने उठा लिया, लालच आ गया, तो वह छाती के ऊपर जम जाएगा। कर्ता भाव से किया हुआ काम, वह डाका हो या दान हो, है तुम्हारी छाती के ऊपर जम के बैठ जाए। ये जो तुम सब कुछ होते हुए भी सारे दिन भारी भारी फिरते रहते हो, बोझिल बोझिल से तुम चलते हो और ठीक ठीक से तुम हल्के हल्के जी नहीं पाते, इसका कारण तुम्हारे संस्कार। और ध्यान रखना, सिर्फ बुरे संस्कार ही मत समझना, अच्छे संस्कार भी इनमें शुमार है। इस भार में अच्छे कर्मों का बोझ भी है, वो भी तुम्हारी छाती पे बैठे हैं, संस्कार लिखे। और बुरे कर्मों का बोझ भी है, वो भी तुम्हारी छाती पे बैठते हैं। ये बात अलग है कि बुरे कर्मों का संस्कार भारी होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन अच्छे कर्मों का संस्कार थोड़ा कम भारी होता है, भारी दोनों होते हैं। पूछा है, अच्छे कर्मों को, अकर्ता भाव से किए हुए कर्मों को करने का क्या फायदा है, और कर्ता भाव से किए हुए कर्मों को क्या नुकसान है। कर्ता भाव से किए हुए कर्मों का फायदा भी है, नुकसान भी है। अकर्ता भाव से किए हुए कर्मों का ना फायदा है ना नुकसान, क्योंकि अकर्ता भाव से जो कर्म होते हैं वो तुम करते नहीं, वो होते हैं, वह विराट करवाता है, उसको ही अकर्ता भाव से किया हुआ कर्म गिना जाता है। वह जो विराट करवाए तुम ना करो, वह जो हो जाए, अकस्मात से हो जाए, तुमसे हो गया, वह अकर्ता भाव से हुआ हुआ कर्म है। और जो तुम खुद करो, अंडर प्लानिंग करो, या सहसा हो जाए, जो जनाओं के अधीन करो, वह कर्ता भाव से किया हुआ कर्म है। कर्ता भाव से किए हुए कर्म का कोई फायदा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? संस्कारों का भार तुम्हारी छाती पर, संस्कारों का भार तुम्हारे अचेतन मन में इकट्ठा हो जाता है, यही नुकसान मैं गिनता हूं। तुम बंध जाते हो जंजीरों से, और जंजीरों का बोझ बहुत होता है। ये बात अलग है कि लोहे से या सोने से, लोहा थोड़ा ज्यादा भारी होता है, सोना थोड़ा सा कम भारी होता है, लोहा थोड़ा सा कम सुंदर लगता है, सोना थोड़ा सा आभूषण जैसा लगता है। कर्ता भाव से किया हुआ कर्म दोनों तुम्हारी छाती पे, कर्म बोझ का संस्कार
बीज बनकर लिपटे रहेंगे जब तक कि तुम भोगन लोगे। ऐसा मत समझना कि बुरे कर्मों को करने वाला व्यक्ति बुरे कर्मों को भोग कर ही संबोधि को प्राप्त होगा। सिर्फ इस गफलत में मत रह जाना। अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति भी अच्छे कर्मों के फल को भोग कर ही जाना पड़ेगा उसे। ही इज ऑल्सो बैंड, वह भी बंधा हुआ है। बुरे कर्मों वाला तो बंधा ही हुआ है, अच्छे कर्मों वाला भी बंधा हुआ है अगर तुमने कर्ता भाव से किया है तो। अगर तुमने अकर्ता भाव से किया है, फिर अगर तुमने पाप किया है, कृष्ण ने 40 लाख लोग मरवा दिए लेकिन उसकी छाती के ऊपर एक फूल जितना भार भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। विराट ने करवाया, विराट की जो रजा थी वही हुआ। कृष्ण ने सब प्रयास किए, अंतिम प्रयास भी किया, राजदूत बनकर गया, 5 गांव मांगे, लेकिन विराट ने जो करवाना था वो करवा दिया। इसलिए कृष्ण की छाती के ऊपर कोई बोझ नहीं, बड़े मजे से कत्ल करवा देता है। वो कहता है और जरा जरा जोर से चला बेटा, अर्जुन तेरे तीरों में पोते के तीरों की भनक आती है, तू अर्जुन के वाण चला, तू पोते के वाण मत चला, भीष्म पितामह का कलेजा छल नहीं कर दे, इसको शर सैया पे सुला दे। ये अर्जुन के वाण नहीं है अर्जुन, ये पोते के वाण है, इसलिए तो उसकी छाती विंधी नहीं अभी तक। तुमने कितने तीर चला लिए? तुम कर्ता भाव से कर्म, अकर्ता भाव से कर्म, इन दोनों की व्याख्या पूछी है। अकर्ता भाव से कर्म तो मैंने खत्म ही कर दी बात, वो तो तुम कर ही नहीं सकते। वो तो जो वह करवाता है वह अकर्ता भाव के कर्म होते हैं, उनको तो भूल ही जाओ। तुम सिर्फ कर्ता भाव से कर्म कर सकते हो अपनी आजादी से। अकर्ता भाव से कर्म में तुम्हारी कोई आजादी नहीं होती, वो तो होंगे उसकी रजा से होंगे। अगर तुम आजादी से कर्म करना चाहते हो, तुम कहते हो हमारी स्वतंत्रता कहां गई फिर, तो फिर अगर तुम स्वतंत्रता से काम करना चाहते हो तो ध्यान रखना तुम कर्ता भाव से कर्म ही कर पाओगे, अकर्ता भाव से कर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो वो कर्म करवाएगा वो तुम्हारी स्वतंत्रता से थोड़ा करवाएगा, वह तो अपनी इच्छा से करवाएगा, अपने विधान से करवाएगा, वो तुम्हारी स्वतंत्रता से नहीं कराएगा, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं करवाएगा, वो तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल भी हो सकता है। इस बात को गौर से समझ लेना, बात थोड़ी ज्यादा पेचीदा है, गहन है। और दूसरी बात, जो उसने करवाया अकर्ता भाव से कर्म, उसका फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई बीज ही तुम्हारे भीतर नहीं पड़ेगा। जो बीज नहीं पड़ेगा तो फलीभूत भी नहीं होगा, और फलीभूत नहीं होगा तो फल भी नहीं लगेगा, फिर फलीभूत जब नहीं हुआ तो फल काहे को लगेगा। लेकिन जो अकर्ता भाव से कर्म करते हो उसके तो अंकर भी फूटेंगे, छोटा बड़ा पौधा भी होगा, पेड़ भी होगा, और उस पर कच्चे फल भी लगेंगे, पकेंगे भी और नीचे गिरेंगे, ये सारी प्रोसेसिंग होगी। कर्ता भाव से कर्म सिर्फ तुम कर सकते हो, अकर्ता भाव से कर्म तुम कर ही नहीं सकते। गौर से देखो,
इसलिए बाबा बड़े समझदार हैं। बाबा जानते हैं सहस स्याणपा लक होए ते एक न चले ना। हम स्याने बनकर काम करते हैं कर्ता भाव से, लेकिन तुम्हारी स्याणप एक भी नहीं चलती, क्योंकि तुम्हें उन कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। तो स्याणप कहां गई? स्याणा व्यक्ति तो वो है जो कर्म करे और उसका फल उसे ना भोगना पड़े, उसको कहते हैं स्यान। तो फिर स्याना कौन हुआ? जिसने उसकी रजा से कर्म किया, जिसने अपने कर्मों की बागडोर, अपने जीवन की बागडोर, अपनी कश्ती की पतवार उस विराट के हाथों में सौंप दी। फिर वह विराट जिस तरफ कश्ती को लेके जाएगा वह उसकी मोच। उसमें तुम कोई भागीदार नहीं हो। उसकी जिधर मर्जी उधर ले जाएगा, डुबोएगा डुबोएगा और तराएगा तो तराएगा। तुम सिर्फ एक ही तरह के कर्म कर सकते हो, वो है कर्ता भाव के कर्म। दूसरी तरह के कर्म करने तुम्हारे वश में नहीं। कर्ता भाव से कर्म परमात्मा करवाता है तुमसे। इसलिए बाबा ये चीज जानते थे, तो बाबा ने ये बोल दिया कि मैं कुछ नहीं करता हूं। गुरबाणी लिख रहे हैं जपजी साहब और बोल रहे हैं कि जो लिख रहा है यह उसके दिमाग की खोज नहीं। जिब फोरमाए तिब ते बप्पा, जिस ऐ लिखे तिस सिर ना, जिब फोरमाए तिब ते बप्पा। जो लिख रहा है उसके सिर की काट नहीं है। जप जी जैसे जैसे वो सफुर्न देता है मुझे, इस यंत्र से काम करना चाहता है, वैसे वैसे अक्षर लिखे जाते हैं। मेरी रजा से ये अक्षर नहीं लिखे जाते। जिब फरमाए तिब तिब पा, जिस ए लिखे तिस शरण। जो लिख रहा है उसके सिर की बात नहीं है, उसके शब्द ये नहीं, ये शब्द जो लिखवा रहा है उसके शब्द है। तो बाबा समझदार है, इसलिए बाबा एक फार्मूला देते हैं कि तैरो मत बहु, उसकी रजा में बहु। जो उसकी रजा में बहता है वह कर्ता भाव से कर्म नहीं कर सकता। जो उसकी रजा में नहीं बहता, जो तैरता है उसकी धारा के विपरीत, वह कर्ता भाव से कर्म करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने जीवन की नैया की पतवार उस विराट के हाथों में सौंप दे, फिर जो होगा उसका देनदार तू नहीं होगा, वो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। और अगर अपने जीवन की नैया की पतवार तुम अपने हाथ में रखेगा तो फिर जो होगा वो तुम्हें पाई पाई का भुगतान देना पड़ेगा। उसके हाथ में सौंपेगा तो जर्रे का भुगतान भी नहीं देना होगा। अगर तू अपने हाथ में रखेगा तो जर्रे जर्रे का भुगतान तुझे देना होगा। अब तू देख ले कौन सा काम करना। कृष्ण भी यही बात कहते हैं, मुझे समर्पित हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप क्या है? ये कर्ता भाव से किए हुए कर्मों के बंधन पाप। कर्ता भाव से किए हुए कर्मों के बंधन पाप, क्योंकि बंधन ही पाप है और तुम इस बंधन से ही उकता गए हो। तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम इस बंधन से ही पीछा छुड़ाना चाहते हो। और ये बंधन आया कैसे? ये पाप कर्मों से आया। और पाप कर्म कैसे आए? कर्ता भाव से कर्म करने से पाप। कर्ता भाव से काम जो किए तुमने
उसके कारण तुम आज तक बेड़ियों में जकड़े हुए हो, तुम्हें निजात नहीं मिल रही। तो बाबा कहते हैं, अगर निजात चाहिए, तो कर्ता भाव के कर्मों को छोड़कर वह जो कराए वैसा ही कर, उसका बंधन नहीं बनेगा। और जब बंधन नहीं बनेगा तो तू धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। नए कर्मों का बंधन नहीं बनेगा, वो तुम्हें जकड़ेंगे नहीं, पुराने कर्मों को तुम भोग लोगे। और एक दिन ऐसा आएगा, नए कर्मों का बंधन बनेगा नहीं, पुराने प्रारब्ध के भोग तुम भोग लोगे और शून्य रह जाएगा शेष। और जब शेष रह जाता है शून्य, तो व्यक्ति संबोधि के को प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति की बूंद समुद्र में गिर जाती है, उसी को कहते हैं पूर्ण मुक्ति, उसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, महाकैवल्य अवस्था, संबोधि की परम अवस्था, आनंद की चरम अवस्था, जब कोई बंधन नहीं होता, नए बने नहीं, पुराने हमने भुगत लिए। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी तरह से तुम्हें समझा आ गया होगा। फिर दोहरा दूं, अकर्ता भाव से कर्म तुम्हारे हाथ में, वह जो करवाएगा अपनी मर्जी से करवाएगा, जैसा करवाएगा अपनी मर्जी से करवाएगा, और उसके भीतर तुम्हारे अचेतन मन में कोई भार नहीं पड़ेगा संस्कारों का, क्योंकि वो तुमने किए नहीं। तुम कहते हो मेरे से हो गए, बस तुम समझना कि उसने करवा दिया। और जो कर्म तुम करते हो वो अच्छा करते हो या बुरा करते हो, वो कत्ल करते हो या किसी को जीवन देते हो, कर्ता भाव से किया गया कर्म तुम्हारी छाती के ऊपर बैठ जाएगा संस्कार के बीज बनकर। और ध्यान रखना, जो बीज बन गया वह सुख का बन गया या दुख का बन गया, तुम्हें भोग कर ही जाना होगा, अन्यथा इस संसार से मुक्ति संभव है। इसलिए संत कहते हैं, ना अच्छा करो ना बुरा करो, फिर क्या करें, वो ही करो जो वो करवाए। तुम तुम्हारी तरफ से ना अच्छा करो ना बुरा करो, फिर क्या करो, जो वो करवाए वो करो, क्योंकि जो वो करवाता है उसके फल का जिम्मेवार तुम नहीं होते, उसका फल का जिम्मेवार वो खुद होता है। यार की मर्जी क्या गई, यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्जे उल्फत कर चुका है ये भी उल्फत करके देख। और उल्फते तो बहुत कर ली, थोड़ा परमात्मा से भी प्यार डाल के देख ले, थोड़ा सा उसकी रजा के भीतर भी चल कर देख ले, फिर देख कैसे परिणाम आते हैं। और परिणाम बड़े सुखदायी आएंगे, परिणाम बड़े आनंद से भरे पूरे आएंगे। इसलिए सभी संतों ने कहा है, कर्म कर, उसके अधीन होके कर, उसकी रजा से कर, अपनी रजा से मत कर, जो वो चाहता है वो कर। इसलिए संत कहता है कि अपने जीवन की नैया को उसके हाथों में सौंप दे पतवार को, फिर वो जहां ले जाए वहां चल, उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार कर ले, वो जिधर भी ले जाए, बस हर तरफ वही दिखे
और दूसरा कोई ना दिखे। कर्ता भाव से कर्म करोगे दुख पाओगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे ये बात नहीं, अच्छा करोगे या बुरा करोगे, करोगे कर्ता भाव से तो बंधन मिलेंगे। बंधन सोने के हों या लोहे के हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बांध ही ले वो सोने का बंधन हो या लोहे का बंधन हो क्या फर्क पड़ता है, जो तुम्हारी आजादी ही छीन ले। अगर जेल की दीवारें लगी हुई सिकचें सोने की बना दी जाएं, तुम्हारी तो स्वतंत्रता खिंच गई ना, तुम्हारी स्वतंत्रता तो छीन ले गई ना। वो जेल सोने की बनी थी या लोहे की बनी थी इससे तुम्हें क्या मतलब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे अर्पण करके जो तू कर्म करेगा उस कर्मों का देनदार तू नहीं होगा। फिर जब तुमने अपने जीवन की सारी नैया मेरे सुपुर्द कर दी तो उसे मैं ही चलाऊंगा और तुम्हें कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, बस तू पाप मुक्त हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। धन्यवाद।